अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज एक और कैजुअल ड्रेस को हम लोगों ने कट करना है, स्टिच करना है। उसके लिए चाहिए है हमें कैंची, इंचेस टेप, और यहाँ पे मैं जो लेसेस इस्तेमाल कर रही हूँ वो वन साइडेड या सीक्वेंस वाली छोटी छोटी बनीस के कानों वाली लेस है। और साथ में ये वाली सीढ़ी लेस तो हमेशा ही मुझे पसंद रही है, तो मैं यही लेकर आई थी। आप लोगों ने देसी तरीका देखना कि किस तरीके से मेजरमेंट्स लेते हैं लेसेस का, तो ये होता है। ये तकरीबन थी उनके पास 2.5 गज़ के करीब, तो यही ले ली। और इत्तेफाक से ये जो दूसरी सीक्वेंस वाली लेस थी ये भी तकरीबन 2.5 से 3 गज़ के बीच में थी, और मुझे इसी में डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी थी। कैजुअल ड्रेसेस में पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कोई डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं मार्केट गई तो मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ बाय कर लूँ। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक है इसके अंदर आप देखें तो इस तरीके से प्रिंटिंग है, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई होती है, और अल्टरनेट है, यानी कि आप देखें तो इसमें स्क्वायर बॉक्सेस वाला थोड़ा थोड़ा सा लुक आ रहा है। तो मैं इस शर्ट में पैनल्स को ऐड करके इसे ख़राब नहीं करना चाह रही थी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि रात के 1 बजे भी मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं शलवार को और कमीज़ के कपड़े को सेपरेट कर लेती हूँ। इस कपड़े के साथ हुआ हादसा ये कि 2 दफ़ा मुझे इसकी कतरने काटनी पड़ी, तो साइड से जो तिरछान नज़र आ रही है वो इसकी उरेपन नहीं है, बल्कि नलकी के लिए जो तिरछा कपड़ा निकाला जाता है, एक दफ़ा अम्मी ने निकाल लिया, दूसरी तरफ मैंने, तो वो एक ही तरफ से निकल गया। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसकी शलवार को किस तरीके से कट करना है। नॉर्मली बेल्ट को छोड़ने के बाद, यानी बेल्ट की लेंथ को निकालने के बाद, मैं 32 इंच निकालती हूँ, लेकिन इसे मैंने 33 इंच इसलिए कट किया था कि इसने यूँ तिरछा कटने के बाद इसका डिज़ाइन ऐसा था कि हम इसे यूँ मोड़ के नहीं कट कर सकते थे, इसे हमें कट करके दोबारा से बैलेंस करना था। और इस तरह के कपड़ों में कहीं ना कहीं तो तिरछापन रहता ही है, बेशक आप उसे इस तरीके से काटाकाटी कर दें जिस तरीके से मैंने किया है। तो मैंने तकरीबन 33 इंच यानी 66 इंचज़ की लेंथ ओवरऑल निकाल ली थी। एक चीज़ जो मैंने अब ड्रेसेस को स्टिच करने के बाद रियलाइज़ किया है वो ये कि अगर तो मुझे इस कुर्ती की जो लेंथ आपको तैयार मिलेगी उससे अगर लॉन्ग चाहिए और शलवार या ट्राउज़र चाहिए तो बड़े इसका कपड़ा मुझे 4 गज़ लेना होगा। फ़िलहाल तक यहाँ तक जबकि मैं कर रही हूँ तो यहाँ तक मैंने कपड़ा 3.5 गज़ लिया था, और इसकी विड्थ होती है ऑलमोस्ट 58 इंचज़ के करीब। अच्छा, एक तरफ इसके जो साइड का किनारा है उसकी वाइट हिस्सा छोटा था, तो उसको मैंने ले लिया है आसन की तरफ, और जो चौड़ाई वाला है वो मैंने ले लिया है बेल्ट की तरफ। तो फ़िलहाल तो जो इसकी यानी 1.5 इंच की चौड़ाई जो पूरे ओवरऑल खड़ी शलवार की होती है वो नॉर्मली मैं 40 इंच कट करती हूँ ना, तो इससे मैंने 2 इंच ज़्यादा रख लिया था, क्योंकि कपड़ा मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि सॉफ्ट है, इसमें कहीं आसन की तरफ सिलाई में खिंचान पड़ती है, पीछे की तरफ प्लीट ना डली हुई हो तो कपड़ा बिसकने का मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ ये लॉन है, धुल के सही हो जाएगा, लेकिन कपड़े को हम लोगों को सिलाइयों से खिंचान, कितना भी कीमती कपड़ा हो, अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला कपड़ा अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, इसका मैंने ये निकाल लिया था, और फिर मैंने चौड़ाई के रुख पे इसे डबल फोल्ड करके, और आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसको हमने यूं ही फोल्ड करके अगर कट करने की गलती कर दी तो केरियाँ जो बनी हुई हैं इसके ऊपर या यहाँ पे जो छोटे छोटे से पैटर्न बने हुए हैं तो एक तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ नीचे की तरफ आएंगे, और फिर वही देसी तरीका हो जाएगा, हाय हाय साइड को गलती हो गई थी, असी एनजी करके पाना है। अच्छा, कुछ बहनों को मेरे बोलने से ना थोड़ी सी होती है कि शायद हेडेक, लेकिन अगर आप टीचर को बोलना ही बंद कर दोगे तो फिर किताब ही पढ़ लेना बेहतर है, किताब को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर बने हैं। अच्छा जी, अब जो साइड से ये कपड़ा निकला, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, माशाल्लाह समझदार है बहनें काफ़ी। यहाँ पे आप लोगों ने बेल्ट का खसूसी ध्यान रखना, ये ना हो कि इसकी भी केरियों के पैटर्न को देखते देखते आप इसकी भी चौड़ाई वैसे निकालना शुरू कर दें। बेल्ट हमेशा कपड़े की चौड़ाई लंबाई बन जाती है, लंबाई चौड़ाई तभी आपकी शलवार में ठहराव आता है, वरना तो वो खिंचती चली जाएगी, पाँव में आती चली जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो कमीज़ का कपड़ा और बाजुओं का कपड़ा था उसे मैंने बाजुओं की लेंथ 21 इंच यहाँ से निकाल ली है, और 21 इंच के बाद जो कपड़ा बचा है उसमें से हमने कमीज़ ओवरऑल तैयार करनी है। तो एक एक चीज़ में हमने पैटर्न का ध्यान रखना है, शलवार के दोनों पाइंचे यानी दोनों साइडें स्टिच करते हुए केरियों की हाइट एक जितनी आनी चाहिए, यानी जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसकी हाइट एक जितनी आनी चाहिए। अच्छा, गर्मियों का मौसम है, आम आ गए हैं, केरियाँ आ गई, इसलिए बार बार केरियाँ मुंह से निकलती हैं। बताएं ज़रा, केरियाँ कितनी खाई हैं बचपन में, अभी भी खाती हैं कि नहीं खाती, या अचार डल रहा है कि नहीं डल रहा, हमारा तो पिछले साल का अचार अभी तक चल रहा है। आगे चलते हैं, केरियों से बात याद आ गई। अब इसकी चौड़ाई इतनी है, इसमें से मुझे कपड़ा इतना मतलब कमीज़ का निकालना है कि साइड से मैंने अपने नेकलाइन देखा कि ड्रेसिंग मेनिया पे ऑलरेडी शेयर कर दिया, काफ़ी सारी बहनों ने इसे अप्रिशिएट किया,
तो इसी के ऊपर इस तरह के ही मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी पैनल्स के ऊपर या दामन के ऊपर, तो करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था ना, जो कि मैं लेके नहीं आई थी। बहरहाल ये प्रिंट मैंने कहाँ से लिया है और जो पिछला या फिर अगला कोई देखेंगे आप, तो ये सदर गई थी बोरी बाज़ार वहाँ से। अच्छा, शलवार की कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली थी। देखिए, मैंने एक जितनी सीक्वेंस रखी है केरियों की। ये छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स होती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन चूंकि कपड़े को यहाँ से कट के इसकी डायरेक्शन चेंज की थी, तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल बेस है ना, वो चार पीसेज आए। पिछली दफ़ा जो मैंने शलवार कट की थी उसके अंदर दो पीसेस थे। फिर इसके बाद मैंने बाजू की कटिंग कर ली थी और सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने इसकी लेस को श्रिंक कर लिया था क्योंकि मैं बच जाऊँ। फिर जनाब इसके पांचे के ऊपर मैंने आपको बताया था, स्कूल से आने के बाद मैंने ये जो आपको बुकरम बताई हुई है, ये मैं बाज़ार दोबारा गई थी। अगर आप कहेंगे तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जो शॉपिंग करके लाई हुई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आनी थी कि कुछ ब्लैक ड्रेसेस मैंने कंप्लीट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने पास इकट्ठी करनी थी। तो इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने ध्यान डाला अपनी इस्त्री के टब के अंदर, तो ये पानी कराची के अंदर देखें इस तरह का आता है और काफ़ी टाइम से ये हो गया था। तो हालांकि ये साथ साथ ही टंकी साफ़ होती रहती है, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत गीला रहता है ये इसका टब है, तो उसको हमने साफ़ किया। और फिर इसके बाद मशीन के एरिया को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, फिर आप सिलाई की तरफ जाती हैं। फिर इसके बाद शर्ट की कटिंग मैंने सेम वही किया जो पिछली दफ़ा आपको बताई थी, लेकिन जस्ट इस दफ़ा मैंने कमर की फिटिंग 1 इंच अंदर की तरफ कर दी। अदरवाइज़ इसके चौक फोल्डिंग, इसके दामन फोल्डिंग इसी शर्ट के अंदर से होने वाली है। नेक लाइन की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी जनाब ड्रेसिंग मेनिया पे। और अगर आपको कमीज़ की कटिंग की वीडियो देखनी है तो इससे प्रीवियस ड्रेस में मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो ये मैंने 2 इंच इसकी फोल्डिंग रखी है। ये वो शॉपिंग है जो कि मैं करके लाई थी, बाय चांस मुझे जाना था। अब मशीन का टैंक तो सॉरी इस्त्री का टैंक तो मैंने वॉश करवा दिया। शाम के टाइम जब मैंने नेकलाइन पूरा किया, ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड करने लगी, तो ये वाला स्विच जो था ना हमारी इस्त्री का, वो ख़राब हो गया। मैं कहा होए पड़ गया पटखा नीला को 17-18 हज़ार का। हालाँकि ये सिल्वर स्टार की जो इस्त्री है, ये बाज़ार में रीगल मार्केट के अंदर मैं देखें 9 हज़ार की है। दराज के ऊपर किसने इसकी कीमत 12 हज़ार लगाई, किसने 14,000 लगाई है। तो आप लोग पहले अच्छे से अपने एरिया में विजिट करके अगर ये लेनी है तो पहले चेक कर लिया करें, धोखे बड़े होंगे। अच्छा जी, फिर ये स्विच मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से लेकर आ गई थी। 90 रुपीज़ का मिला था, तो ये घर में ही मैकेनिक है माशाल्लाह साढ़े, तो उन्होंने चेंज कर दिया था मेरे भतीजे ने। अच्छा, फिर इसके बाद एक जितनी हाइट पे साइड की फ़िटिंग की थी हमने कुर्ती की। और दामन की फोल्डिंग जब मैंने देखा पिछली वीडियो में, तो पीनी ने वीडियो बहुत क्लोज़ बना दी थी, तो थोड़ा सा दूर करके मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि दामन को पहले जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ, तो जो ओवरऑल 2.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन होता है, उससे पहले मैं एग्जैक्ट फ़ोल्ड कर लिया करती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से इसे फोल्ड करने के बाद पहले मैं दामन के ऊपर सिलाई लगाती हूँ। अच्छा, दामन पे सिलाई लगाते हुए बाज़ बहनें ये भी कहती हैं कि हमारी खिंचान पड़ती है। खिंचान उसी रुख में पड़ती है जब आपने एक जितना मार्जिन इसका प्रॉपर ना रखा। और उसको रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब साइड की फ़िटिंग करें तो चौकों को मेजर करके एक जितनी हाइट पर छोटे छोटे कट लगा लिया करें। 1 इंच का फ़ोल्ड करना है, 1.5 इंच का या 2 इंच का, जितना भी आपने फ़ोल्ड करना है, वरना तो फिर पलटे भी लग जाते हैं। चौकों की फोल्डिंग भी वैसे ही किया, जो मतलब फाइनल फोल्डिंग होती है वो मैं पहले करती हूँ, फिर इसको हाफ़ फोल्डिंग करके फिर इसके अंदर के मार्जिन को मैं काम कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे जो ये सरफेस है ना जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ, इसका कपड़ा लाइट कलर का था तो बड़ा गंदा हो गया हुआ था, उसको मैंने दोबारा से, मेरे ये वाले गाड़ियों वाला कपड़ा कोई 4 साल पुराना है, जब से मेरे ख्याल में ड्रेसिंग मेनिया चला रही हूँ तब से आप देख रहे हैं, कभी ना कभी वापस आ जाता है, मुझे प्यारा बड़ा लगता है। अच्छा जी, इसको मैंने दोबारा से एक दफ़ा और फोल्ड कर लिया। और फिर इसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, उसको 2 टाइम्स जो फोल्डिंग हुई है, खोलने के बाद यूँ ट्राइंगल कर दिया करें ना, तो एक जितना बैलेंस आ जाता है। फिर इसको मैंने चौकों को फोल्डिंग भी इस तरीके से कर लिया। और मेरी कोशिश रहती है कि वो कहते हैं ना, बार बार सिलाइयाँ उधेड़ने से बेहतर है एक ही दफ़ा नीला तू इस्त्री कर लिया कर लड़की, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है। अब बारी आती है बाजुओं की, तो बाजुओं में ये जो पैटर्न था मेरे पास, बाजू की लेंथ तो छोटी थी, तो पहले तो मेरा इरादा था कफ बनाऊं, लेकिन कफ ही बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो आपने देखा कि इसके पैटर्न के अंदर मुझे काटा पीटी नहीं करनी थी, लेस नहीं लगानी थी, तो मैंने इसी के अंदर रेक्टेंगुलर बेस्ड या फिर स्क्वायर बेस्ड मैंने पिंटेक्स को स्टिच कर लिया, बहुत दफ़ा दिखाया। ये वाली फ्यूजिंग के बारे में जानना है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ये लैदा से मैं नई लेकर आई हुई हूँ, मुझे तजुर्बे करने का बेइंतहा हद तक शौक है। शॉप वाले भी हंस रहे थे कि हर दफ़ा कोई नई चीज़ उठा के ले जाती है, तो वो कहते हैं आपका बुटीक है। मैंने कहा नहीं, तो फिर आप इतना ख़र्चा मैंने कहा अपने ड्रेसेस पे करती हूँ। तो ये वाला बुकरम लेके आई हूँ, इसको मैं देखूँगी कि
कैसा इसकी पायदारी है फिर, क्योंकि मैं काफ़ी डिस्कस करती हूँ शॉप वालों से जाके कि मेरा ये काम है मुझे इस तरीके से। सही बात है, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टेलर्स मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे कौन सी मार्केट है, तो रीगल साइड कराची के अंदर, उनके साइड पे आपने देखा बहुत सारे जेंट्स के पेंट कोट वगैरह स्टिच होते हैं, या फिर इनके कोट के अंदर का जो फैब्रिक लगता है अस्तर की बेस के ऊपर वो मिलता है, या पैंट्स के कपड़े मिलते हैं, तो ये उन शॉप्स पे आपको अवेलेबल होगी, आम नहीं मिलती ये वाली। और अब मैंने बटन कॉर्नर पे भी देखा था, वहाँ पे भी नहीं थी। बातों बातों में इसे मैंने पेस्ट कर लिया है, अच्छी खूबसूरती आई है। अब इसी के बराबर जो मेरा कफ है, कफ तकरीबन समझें जनाब इस वक्त 3.5 इंच लंबाई है और चौड़ाई तकरीबन इसकी 10.5 इंच है, तो इसी के बराबर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक पर लगा लिया, उससे मैंने कोई ज़ीरो की बुकरम तक नहीं लगाई। इसके 3 हिस्सों पर सिलाइयाँ मैंने इस तरीके से लगाई हैं कि भाई इसके कोने कोने बने, सिलाई आगे पीछे ना हो, एक जितनी आपने लंबाई चौड़ाई रखनी है। और अब इंडेक्स को मैंने सिंपल कपड़े पे स्टिच किया, बाद में बुकरम की फ्यूजिंग की है। बुकरम बाज़ुकात पिंटेक्स के अंदर आ जाता है ना, तो वो शुरू शुरू में मैं भी कर लिया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप काम सीखते हैं तो काम आता ही चला जाता है। तो मुझे बेहतर लगता है कि पहले मैं पिंटेक्स स्टिच करूं, बाद में बुकरम लगाऊं। किनारों से मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है, इससे हमने पलटना है। पलटने के 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे पलट दें, दूसरा ऐसे पलट दें, जैसे आपका दिल चाहता है। दोनों ही तरीक़ों से आपको सुइयों से इसके कोने निकालना पड़ेंगे, या फिर आपको वो कैंची की मदद से नोके निकालना पड़ेंगे, जो कि खेडम खेड़ी मैंने भी यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कोने, बस ध्यान आपने ये रखना है कि आप ये इसमें धागा भी लगा के और वो भी खींच सकते हैं, जैसे कॉलर के ऊपर भी मैंने 1-2 दफ़ा सिखाया। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको पसंद आए, मेन चीज़ ये है कि आप सिलाई को कैसा थेरेपी के तौर पर लेती हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसके दोनों साइडों को, क्योंकि बुकरम थोड़ी सी स्टिफ थी ना जो हमने लगाई है, तो फिर जनाब उसको हम इस तरीके से पलट के अच्छे से इसके किनारे बिठा लेंगे। कफ हो गई हमारी तैयार। अब इसके बैक साइड के ऊपर जो कपड़ा है उसको एक जगह स्टेबल करने के लिए मैंने थोड़ी सी डबल साइडेड टेप ली है। फिर आ गई है मेरी वीडियो के अंदर, ये बेचारी कहीं नहीं जाती भाग दौड़ के दोबारा। अब मैंने देखा है काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर काफ़ी सारी बहनें अब ये इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं, अच्छी बात है। अब हम मुझे बहुत कुछ नज़र आ जाता है हाथ साथी तौर पे चलते चलते, तो अब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे चुपके चुपके। सारी वीडियो वेह दे हो तो बाद लाइक भी नहीं कर दे, अब लाइक्स बहुत कम है मेरी वीडियोस के ऊपर, लाइक ज़्यादा किया करें, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अब हम जल्दी से इसके अंदर बातों बातों में डबल साइडेड टेप लगा देते हैं। अब इसको चौड़ाई के रुख पर आपने कर देना है डबल फोल्ड, और सेंटर क्रीज बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ये छोटा सा कट ज़रूर लगाना है। अब हमने बाजू पकड़ लिया, जिस बेचारी की लेंथ छोटी थी, हमेशा मेरी बाजू की लेंथ छोटी होती है, और इसके साइड फिटिंग दोनों बाजू की पकड़ के 1/2 इंच की ऊंचाई पे साइडों पे मैंने कट लगाए थे, मैंने बहुत दफ़ा बताया दामन के ऊपर भी। इन दोनों को पकड़ के आप यूँ बनाएंगी ना अच्छी सी क्रीज, तो इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर जब आप पलटे वल्टे लगाएंगे लेसों के साथ, तो आपकी बाजू की वो घुलाइयाँ झोल नहीं खाती। अब जो क्रीज़ बनाई है उसके ऊपर लेस जो हमने गले के ऊपर भी इस्तेमाल की है, इसका सीधा हिस्सा नीचे की तरफ करके इसके किनारा जो छुपाना है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। और अच्छा, चौड़ाई के रुख पे अमूमन लेस जो होती है ना उसमें खिंचान नहीं पड़ता, हमेशा पैनल में स्टिच करते हुए खिंचान आती है, आजमा के देख लीजिएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि लंबाई को चौड़ाई बना के कुर्तियाँ स्टिच करने बैठ जाएं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसे इस्त्री किया था, और फिर इसके बाद जो हमने कफ तैयार किया उसका सीधा हिस्सा हमने बाजू के सीधे हिस्से से मैच करके चेक करना है, और यहाँ पे किनारों पे 1/2 इंच का मार्जिन निशान लगाना है, क्योंकि इतना ही हमने सिलाई में देना है। सेंटर का कट ज़रूर मेनटेन कीजिएगा, मैं दोबारा से हाथ की मदद से ही इसको क्रीज़ बना रही हूँ। वाह वाह, मेरे बल्ले बल्ले शावा। तो मैंने ना इसको अब मैं इस तरीके से तंग आ गई थी यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक मैंने इसको इस तरीके से रखना है, और जो हिस्सा सिलाई में आ जाना है उतना हिस्से पे UHU लगाई थी। UHU जो मैं लगा रही थी पीनी, कैमरा नहीं पकड़ रही थी तो मैंने ऑफ द कैमरा लगा दिया, ये पीनी के भी बड़े नखरे हो गए। तो अब हमने इसको करना है, असल में वो जब भी मेरे पास आती है तो अम्मी समझती हैं कि वो वेली हो के आई है, तो वो अम्मी अपने काम कह देती हैं, तो अम्मी ने आज बादाम बादाम पिसवाए उससे। अब इसको दूसरी साइड पर जिससे हमने लेस लगाई थी ना, और दे उतना ही सिलाई ला दो। यहाँ पे पक्की करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर दूसरी तरफ जब हम पलटा लगाएंगे ना तो हमारे पास गाइडलाइन मौजूद नहीं होगी, काम आगे पीछे हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि काम उस हद तक आप लोगों को बेसिक पे सिखा दूँ, कि कोई बहन ऐसी है जो बिल्कुल बिगनर है वो ये ना कल को शिकायत करे कि ऐ की करके टोर गईयाँ नीला। तो जो माशाल्लाह एडवांस हैं वो तो माशाल्लाह समझती हैं हर चीज़ को। अब मेरे पास आखिर में बचा ही 2 इंच का कपड़ा था पलटे की सूरत में, तो अब हमने इसका 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड किया, लेकिन पलटे के बगैर मैं थोड़ी ना अधूरे काम करने वाली हूँ, मैंने भी लगाना पलटा ही है। अच्छा, आज ना मैं थोड़ी सी डाउन डाउन फील कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताया रमज़ान के बाद कितनी बहनें ऐसी हैं कि जो कुछ खा रही हैं तो वो खाना सही से पच नहीं रहा,
ऐसे लग रहा है कि अभी भी रोज़े रोज़े चल रहे हैं, मेरे साथ नहीं ठीक हो रही हूँ, और मैं डॉक्टर के जाना भी नहीं चाहती, डॉक्टर पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ दे देते हैं, बंदा और डबल बीमार हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद ही कार सिद्धि पदरी हो जाऊँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसको यूँ करना है, तू करना है और वूँ करना है, इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा, और इसके अंदर भी मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी। अच्छा, मेरे पास दो तरह की डबल साइडेड टेप है, एक हाफ इंच चौड़ी है और एक एक इंच चौड़ी, तीन इंच चौड़ी भी मिल रही है और गज के हिसाब से भी मिल रही है। तो डिपेंड्स कि आपको किसका कितनी नोयत का काम है। ये पट्टियाँ सही रहती हैं, वो काटा पीटी करना एक गज़ में से मुश्किल हो जाता है। अब जल्दी से हम इसे फ्रंट की तरफ से यहाँ आयरन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस की कंप्लीट लुक। दामन वगैरह मैं इसलिए नहीं बना रही, घर के कपड़े हैं मेरे ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको वाजे करना चाहती हूँ, पहले ड्रेस की ओवरऑल लुक देख लें। माशाल्लाह प्रिंट इतना खूबसूरत है कि आ मज़ा गया है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लेस का इंतखाब किया था, या यूँ कहें कि मैं मजबूर थी वो ख़रीदने के लिए, तो वो मैं आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको शलवार की लुक दिखा दूँ। शलवार मैंने बनाई है, 6 सिलाइयाँ लगी इसके पैंचों में। फ्रंट की तरफ से इसकी प्लीट्स, बड़ी प्लीट्स, ओवरऑल इलास्टिक, बैक की तरफ से मैंने जो शलवार का घेर ज़्यादा रखा था उसकी वजह से इसमें दो प्लीट्स बैक की तरफ राइट साइड पे आई हैं, दो लेफ्ट साइड पे आई हैं। शलवार की लेंथ मैंने बनाई है 37 इंचेस, पैंचा मैंने रखा है 7 इंच का। अच्छा, मैं जो लेस आपको दिखा रही थी ना, इस नेकलाइन की वीडियो ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे मौजूद है बहनों, तो जहाँ तक प्लेकेट की बात है वहाँ तक तो लेस ठीक थी, जहाँ ये गुलाई में लगती है, मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ आपको कि मेरा कपड़ा जो शर्ट का है वो थोड़ा सॉफ्ट है, इस पर मिल्की लेस या बारीक लेस सॉफ्ट वाली अच्छी लगनी थी, ये कहीं ना कहीं झोल खा गई है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके चाक दामन के ऊपर मैंने इसी के अंदर से ही पलटा फोल्ड किया हुआ है, अलहदा से नहीं लगाया। और तीसरी चीज़, इसकी कमर के ऊपर थोड़ी सी मैंने फिटिंग दी थी। ओवरऑल लुक देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह कमीज़ की लेंथ बन रही है मेरे पास ऑलमोस्ट 36 इंचेस। स्लीव्स की लुक कुछ यूँ आई है। अब स्लीव के आगे ये जो कफ लगी है आप समझ लें कि 3 इंच या 2.5 इंच की लेंथ है। साइड से ऐसा ज़रूर फोल्ड कीजिएगा, दिखता हुआ अकवर्ड लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, बताएं मैंने जस्टिस किया है डिज़ाइन के साथ कि नहीं। बैक साइड इसे इस तरह की है, और ऐ हो गया जो मेरा एक और कैजुअल ड्रेस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फी अमान, अल्लाह हाफिज़।